अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं तेज प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका एसएससी गधा के चैनल पे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगा एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें आप। सबसे पहले चलिए प्री की बात करते हैं, एसएससी सीजीएल प्री की। इसमें आपके जो चार चरण है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, तो उनपे बारी बारी से बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं मैथ्स के सेक्शन की। अगर आप एक बिगिनर हैं तो जरूरी है आपके पास एक अच्छा मटेरियल होना, जिससे आप जो आपका पूरा मैथ्स है उसको अच्छे से समझ सके। जो भी आपका सिलेबस है वहां पे कवर्ड हो पूरा, सारे फॉर्मूला हो, सारी कॉन्सेप्ट्स हो जिनको आप याद कर सकें। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, या तो आप कोई कोचिंग, बढ़िया कोचिंग जो है आपके एरिया में बहुत ही बढ़िया, जिसने प्रीवियस सिलेक्शन दिए हों, वो ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको एक कस्टमाइज्ड वे में सारा मटेरियल मिल जाता है वन बाय वन। अगर आप किसी कारण से कोचिंग नहीं ज्वाइन कर सकते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके मटेरियल परचेज कर लें और उस मटेरियल को कई बार आप गो थ्रू करें, एटलीस्ट 3 to 4 times। ठीक, तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। अगर मैं किताब की बात करूं तो आर एस अग्रवाल से स्टार्ट करने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। इसके बजाय आप अपनी एनसीईआरटी क्लास जो 7th-8th की है उससे आप परसेंटेज कर लें बेशक से, लेकिन आर एस अग्रवाल एक टाइम कंज्यूमिंग होगा, उससे करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी से सीधा जो चैप्टर्स वहां गिवन है, जैसे एनसीईआरटी के साथ एक प्रॉब्लम आपको ये होगी कि आपके एसएससी का पूरा सिलेबस किसी एक क्लास में कवर्ड नहीं है। जैसे कुछ चैप्टर्स उन्होंने 7th की क्लास में कवर किया है, कुछ चैप्टर 8th की, कुछ चैप्टर 9th और 10th की क्लास में। ठीक है, तो ये आपको एक समस्या आएगी। तो जैसे परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये इन्होंने लोअर क्लासेस में कवर किया है 7th-8th में, वहां से आप कर लें फटाफट, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि देखिए, जो बच्चा 7th और 8th का है, जितना समय वो लेता है उस चीज को कवर करने में, उतना समय आपको तो लगेगा नहीं। आपने मतलब आपका जो आईक्यू लेवल है काफी ज्यादा है, ठीक, तो आप उसको बहुत जल्दी कर पाएंगे। और उसके बाद सीधा मैं कहूंगा आप एक अच्छी बुक पे आ जाएं जो एसएससी के लिए एक बढ़िया बुक है। जैसे आप राकेश यादव उठा लें, ठीक है, उस बुक को सॉल्व करना शुरू करें। हाँ, शुरू में आपको समस्याएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी करने में, समझने में, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में समय लगेगा आपको, लेकिन ये जो होगा एक आपको सफलता के बहुत करीब लेता जाएगा। ठीक, तो मेरी सलाह क्या होगी, उठा लें आप बेशक से एनसीईआरटी से, या आप चाहें तो इवन महेश मिश्रा से कर सकते हैं, काफी अच्छी बुक मानी जाती है और कई अच्छे रैंक होल्डर्स भी इसको रेकमेंड करते हैं। जिस बुक को करें काफी बढ़िया से, काफी थॉरली करने की जरूरत है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका पूरा मैथ्स सीजीएल टायर 1 का और टायर 2 का रेडी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग सिर्फ टायर 1 में है और रीजनिंग के लिए आप घटनाचक या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं चाहे तो। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर 2016 से 2012 तक सारे प्री के पेपर आप कर डालें, ठीक, और साथ में आप मॉक्स देते रहें, ठीक है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बस उनको आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा रीजनिंग के लिए कोई स्पेशल बुक करने की, जैसे आर एस अग्रवाल की बहुत मोटी बुक आती है, तो उसे आपको करने की जरूरत नहीं, वो आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। ठीक, अब बात करूं अगर मैं इंग्लिश की आपसे, तो इंग्लिश के लिए देखिए, इंग्लिश कुछ ऐसा नहीं है कि एंटोनिम सिनोनिम पढ़ लिया मैंने, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने याद कर लिए और मुझे इंग्लिश आ गया, मैं इंग्लिश का विद्वान बन गया, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ही इससे आपको बहुत बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। तो इंग्लिश के मार्क्स कैसे इंप्रूव होंगे, कम से कम आपको 1.5 से 2 घंटे की न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट। जब जैसे ही मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग, आपके दिमाग में आता है यार मैं तो पिछले 2 साल से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और आज तक मुझे इंग्लिश नहीं आई। तो देखिए, आपके जो न्यूज़पेपर की पढ़ाई है उसमें एक कमी हो सकती है, आप न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना, ना ही आपको अपना जीएस बढ़ाने के लिए पढ़ना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का सिर्फ एक मात्र लक्ष्य है, वो है इंग्लिश इंप्रूव करना। तो वो कैसे होगी, जितने आपके इंटरेस्ट के एरियाज हैं उनको पढ़ें। जैसे अगर आपको क्रिकेट पसंद है, स्पोर्ट पसंद है, तो स्पोर्ट्स के न्यूज सबसे पहले पढ़ें। अगर आपको फैशन पसंद है, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट वगैरह पसंद है, तो वो न्यूज पढ़ें। ऐसा नहीं कि द हिंदू लेने की जरूरत है, आप टाइम्स ऑफ इंडिया लें, हिंदुस्तान टाइम्स लें, जिसमें ज्यादा चटपटे खबरें होती हैं, वो न्यूज़पेपर लें और उनको पढ़ें आप। तो इससे आपकी इंग्लिश में काफी ज्यादा धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी। इंप्रूवमेंट का रीजन ये होगा कि आपको इन न्यूज में मजा आएगा, तो आपको उसका वर्ड जो होगा ना वो आप रिलेट कर पाएंगे, उसकी मीनिंग समझ पाएंगे और सारी चीजें आप तो खुद ब खुद धीरे धीरे क्लियर होंगी। ठीक, ऐसे आप 3-4 महीना जब करेंगे, 2-3 महीना 4 महीना न्यूज़पेपर के साथ, फिर देखेंगे कि आपका जो इंग्लिश का लेवल है धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा।
तो जब लेवल इंप्रूव होने लगेगा उसके बाद आप किसी भी तरह की न्यूज पढ़ सकते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा जिन लोगों का पॉलिटिक्स पे इंटरेस्ट है वो भाई पॉलिटिक्स वाली न्यूज से शुरू करें, जिनको जिनको क्रिकेट या मतलब फैशन से रिलेटेड न्यूज पसंद है वो क्रिकेट या फैशन की रिलेटेड न्यूज पढ़ें पहले। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब मेरी एडवाइस है, ठीक, न्यूज़पेपर 1.5 से 2 घंटा डेली। फिर इसके अलावा इंग्लिश में क्या करना है जी, इंग्लिश में देखिए स्पॉटिंग एरर एक एरिया है जो कि इम्पोर्टेंट एरिया है और इसमें अच्छा स्कोर किया जा सकता है अगर हमारी प्रैक्टिस बढ़िया हो तो स्पॉटिंग एरर की प्रैक्टिस आप काफी बढ़िया कर सकते हैं और इंग्लिश आपको कैसी भी आती हो आप स्पॉटिंग एरर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक अच्छी बात यह है। तो इसको आप बढ़िया कर लें। कहां से करना है आपको, एमबी पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर के पूरे कंपाइल्ड जो बुक है उससे कर सकते हैं, प्लिन टू पैरामाउंट से कर सकते हैं आप। प्लिन टू पैरामाउंट एक बेसिक बुक है, इंग्लिश अगर वीक है तो ये तो आप जरूर यूज करें। जिनकी इंग्लिश बहुत बढ़िया है वो सीधा एसपी बख्शी ले सकते हैं और साथ में प्रीवियस ईयर पेपर जो कंपाइल्ड है एमबी पब्लिकेशन में वो कर सकते हैं, ठीक। तो एसपी बख्शी एक बहुत बढ़िया बुक रहेगी, लेकिन जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए मेरा सजेशन है आप प्लिन टू पैरामाउंट से स्टार्ट करें। तो ये दो चीजें तीन चीजें करेंगे आप, एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको याद करने होंगे वो सारी आपको इस बुक में मिल जाएंगे एमबी पब्लिकेशन के, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वहां प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे। लेकिन इस बार एक ट्रेंड देखा गया कि एसएससी प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह कम रिपीट कर रही है, तो ये फिर एक हमारे लिए प्रॉब्लम का एरिया होता है, लेकिन इस पे बाद में हम बात कर सकते हैं। अभी इंग्लिश अगर आपने इंप्रूव कर ली न्यूज़पेपर पढ़ के, ठीक है, साथ में स्पॉटिंग एरर आपने अच्छा कर लिया है, प्लस आपको एक काम और करना है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं तो हर तीसरे चौथे दिन जो 4 दिन का न्यूज है उसकी बस एक फ्लोइंग समरी आप 2-3 पेजेस में लिख दो। आप जो भी आपने बॉलीवुड के न्यूज 4 दिन पढ़े हैं या क्रिकेट के या आपने सभी पढ़े हैं सबको मिक्स करके लिख दो, लेकिन ये 4-5 दिन पे ना मतलब हफ्ते में 2 बार लिखने की हैबिट डाल लो 400-500 वर्ड्स, ठीक है ना, 400-500 वर्ड्स मतलब 2-3 पेजेस। इससे क्या होगी, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट दिखेगा। आप जो लिंक करते हो वर्ड्स, जो वर्ब यूज करते हो आप या प्रीपोजिशंस यूज करते हो, ठीक, उनमें धीरे धीरे इफेक्टिवनेस, पहले आपके जो वर्ड्स होंगे बड़े अनपॉलिश्ड होंगे वो धीरे धीरे खुद ब खुद उसमें सुधार आएगा। तो ये एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक, ये बात हो गई इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश में क्या करना हमें, न्यूज़पेपर रीडिंग, एंटोनिम सिनोनिम याद कर लेंगे उस बुक से जो मैंने बताया, एमबी पब्लिकेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लो आप, साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर करने ही हैं, ठीक है, और स्पॉटिंग एरर हमने बात कर ली, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग। और ये जो इंग्लिश के लिए मैं आपको बता रहा हूं ये आपको इवन टायर 2 में भी इक्वली इफेक्टिव होगी। वहां पे कुछ चीजें एक्स्ट्रा आ जाएंगी, जैसे वहां पे आपको पैसेज बहुत ज्यादा आता है, पैसेज रीडिंग के क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, पैरा जंबल्ड होते हैं, वहां पे PQRS लोगों के होश उड़ा देते हैं, ठीक, काफी टाइम लेते हैं और गलत होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्लस क्लोज टेस्ट होता है जहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का करना होता है, उसमें प्रॉब्लम आती है बहुत ज्यादा, बच्चे कह रहे हैं कितना भी कुछ कर लेता हूं, वहां इन तीनों एरियाज में इंप्रूवमेंट नहीं आती। तो ये न्यूज़पेपर रीडिंग से यहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगा आपको, ठीक है। साथ में मैंने साथ में अगर कुछ बचता है एक्टिव पैसे मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अच्छी बात यह है कि ये दोनों एरियाज भी, इंग्लिश की नॉलेज बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती, इनमें आप प्रैक्टिस के थ्रू बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अब बात करते हैं जीएस की। अगर जीएस का जो मैं कहूं क्षेत्र जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, जीएस आप कितने भी पढ़ लो खत्म होने वाली नहीं है। तो आपको क्या करना है जीएस में, जीएस में ल्यूसेंट एक आपके लिए एनफ बुक है, उसको कई बार आप कर डालें। साथ में अड्डा 247 का ऐप है, उसमें वो क्वेश्चंस देते हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, उसको कई टॉपर्स ने रेकमेंड किया है। तो उस एक ऐप को आप अपने डाउनलोड करके उस पे आप जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें अपने खाली टाइम में, ये आपको बहुत हेल्प करेगी, ठीक। तो ये बात हो गई जीएस की, ल्यूसेंट प्लस अड्डा 247 का ऐप। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप एनसीईआरटी जरूर एक बार कर लें बढ़िया से साइंस की, क्योंकि वो आपके लिए काफी इजी होगी करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप आराम से कर पाएंगे तो उसको कर लें। ये हो गई पूरी प्री की बात। मेंस के लिए सेम स्ट्रेटजी, मैथ्स में आपको फिर राकेश यादव की जो बुक है वो काम आएगी, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर आपको मेंस में करने पड़ेंगे जो 2017 मतलब लास्ट ईयर से लेके 2012 तक आपको सारे पेपर्स मेंस के करने चाहिए 2-2, 3-3 बारी। इसके अलावा आप ढेर सारे मॉक्स करने होंगे, मॉक्स का रोल इक्वली इंपॉर्टेंट है प्री में और मेंस में, ठीक है। ये बात हो गई पूरी स्ट्रेटजी की। अब मैंने कहा था लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, तो मेरा टिप्स ये है कि जिस बुक को भी आप करते हो मैथ्स में उसको कम से कम 3 बार करो। जैसे मैंने कोई चैप्टर उठाया परसेंटेज का,
फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 100 क्वेश्चंस में गिवन है, पहले क्वेश्चन से उठाऊंगा, 100वें क्वेश्चन तक आऊंगा, ठीक। लेकिन जब मैं रिवाइज करूंगा तो उल्टा करूंगा, 100वां क्वेश्चन से उठाऊंगा, पहले क्वेश्चन तक जाऊंगा। ये आपका स्ट्रेटजी रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि जनरली जब हम स्टार्ट करते हैं कोई चीज तो हम बड़े जोश के साथ स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू किया, साथ में 70-80 क्वेश्चन आते आते हमारी एफिशिएंसी थोड़ी डाउन होने लगती है, तो ये लास्ट के 20-25 क्वेश्चन हमारे थोड़े बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। लेकिन जब एक बार आप शुरू से लास्ट तक आते हो, फिर लास्ट से शुरू तक जाते हो, तो कुछ भी बीच का छूटता नहीं है, ठीक है। ये एक बात हो गई। जब दो बार आप कर लेंगे कोई भी बुक, तो उसमें सारे तब तक आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर चुके होंगे, तो तीसरी बार जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करने हैं, और ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपको रिवाइज करने हैं एग्जाम तक, तो रिविजन इज द की। दूसरी चीज, एडवांस मैथ्स में ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट डेवलप करने में आपको टाइम लगेगा, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आज आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े, चाहे वो ट्रायंगल का है चाहे सर्किल का है, फिर कब उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें, फिर आगे बढ़े और उसको बार बार रिवाइज करें। ज्योमेट्री जनरली लोगों को प्रॉब्लम का एरिया रहता है, रीजन ये होता है कि रिविजन हमारा उस पर उतना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्लियर नहीं हो पाते हैं, तो रिविजन उसका बहुत जरूरी है। जो भी आज पढ़े उसको कल जरूर रिवाइज करें, फिर एक हफ्ते के अंदर फिर एक बार रिवाइज कर लें। तो ये मेरा आपका ज्योमेट्री के लिए स्पेशली सजेशन है, ठीक। तीसरा, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपके लिए सबसे बड़ी चीज है। अगर आप मॉक नहीं देंगे तो सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, आप पढ़ाई बंद कर दें। अगर मॉक देने से डर लगता है आपको, या ढेर सारे एक्सक्यूजेस होंगे आपके पास, जैसे मुझसे पूछिए मेरा एक एक्सक्यूज, अरे मैंने तो अभी पूरी मैथ्स रिवाइज नहीं की है, एक बार रिवाइज करूं फिर मॉक करूंगा, ठीक, पहला एक्सक्यूज। दूसरा एक्सक्यूज, मेरी ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री थोड़ी वीक है, तो एक बार मैं ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अभी रिवाइज कर रहा हूं, 3-4-5 दिन में रिवाइज करके फिर मॉक करूंगा। या फिर मेरा परसेंटेज वीक है, परसेंटेज रिवाइज करके मैं मॉक करूंगा। नहीं भाई, आप परसेंटेज रिवाइज करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉक डेली दो। अगला एक्सक्यूज, मॉक में मेरे बहुत कम नंबर आते हैं, 200 में सिर्फ मेरे 50 नंबर आ रहे हैं, तो जरा मैं अच्छा हो जाऊं, पहले सारे चैप्टर्स कर लूं फिर मॉक दूंगा। भाई 200 में 50 नंबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप वीकली मॉक अभी देते रहो, और एग्जाम जब नजदीक हो, एक महीना बचा हो, डेली मॉक, एक दे सकते हो एक दो, दो दे सकते हो दो दो, क्योंकि मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नंबर इंप्रूवमेंट के लिए। हाँ, कुछ टॉपर्स देखिए आपको सजेस्ट करेंगे कि उन्होंने ज्यादा मार्क्स नहीं किया था, ये उनकी अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन मेरे जैसे एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, और मेरे ढेर सारे जो मतलब जिन लोगों को मैं जानता हूँ अंडर 100 में रैंक रही जिनकी, तो उनकी ये स्ट्रेटजी होती है कि भाई वो मार्क्स बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक। तो आपके लिए मार्क्स बहुत जरूरी है। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी लास्ट में आपके लिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ इन सारी बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद।